आपके समक्ष में आज आपके मंत्रालय के दो मुख्य एमओयू साइन हुए, एक तो साइबर सिक्योरिटी का और दूसरा ई गवर्नेंस, जो एस्टोनिया का काफी पूरा वर्ल्ड वाइड उनका नाम है ई गवर्नेंस मामले में। ये दो समझौतों के बारे में आपका क्या कहना है और इनसे भारत को किस तरह का फायदा होगा? एस्टोनिया जो है वो एक बहुत छोटा देश है, लेकिन ई गवर्नेंस, डिजिटलाइजेशन, इसमें ये लोग, मुझे ऐसा लगता कि इनको हम वर्ल्ड लीडर भी कह सकते हैं। इनका जो अनुभव है और उसके कारण जो ईज़ ऑफ बिजनेस है या ई गवर्नेंस है, उसके कारण बहुत सारे काम इन्होंने किए। तो इसमें आज जो हमारे दो एग्रीमेंट जो इनके साथ में हुए, उसमें पहला एग्रीमेंट जो हुआ वो तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में था, और दूसरा जो एग्रीमेंट हमारा हुआ वो एग्रीमेंट ई गवर्नेंस का एग्रीमेंट था। तो इसके कारण बहुत सारा हमारा आदान प्रदान जो हो जाएगा इनके साथ में, तो उसमें हमारा जो काम चल रहा, खास करके हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उनका डिजिटल इंडिया एक बहुत बड़ा एम्बिशियस मिशन है। उसमें हमने करीब करीब अभी तक 125,000 विलेजेस जो है, हमारे जो गांव है, वहाँ तक हमारा फाइबर ऑप्टिक पहुँचा, और अगले साल में हम करीब करीब 2.5 लाख गांव तक हम पहुँचेंगे। तो उसमें भी हमारा बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो इसलिए ये आज का जो एग्रीमेंट है, इसके कारण हमें ई गवर्नेंस में सुविधा होंगी। बाकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसका पूरी दुनिया में आज बहुत सारे काम आसान हुए, तो इसका भी बढ़ावा इसको मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा काम हुआ, और हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जो है वेंकैया नायडू जी, इन्होंने ये तीन जो बाल्टिक कंट्रीज है, तीनों बहुत छोटे छोटे देश हैं, हमारे कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि वो इनसे बड़े हैं। तो एक बहुत अच्छा सुखद अनुभव यहाँ का रहा, एक यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, यहाँ का एनवायरनमेंट, और सबसे अच्छी कहने लायक बात जो होंगी तो यहाँ के जो लोग हैं, करीब करीब हमें ऐसा लगा कि हम हिंदुस्तान में हैं। सर, एक आखिरी सवाल, यहाँ क्योंकि आप एचआरडी मंत्रालय में भी हैं, यहाँ एडुकेशन टूरिज्म काफ़ी है, आप भी मिले होंगे कि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो क्या बाल्टिक और इंडिया एक अच्छे पार्टनर्स बन सकते हैं, स्पेशली रिसर्च में, इनोवेशन में? नहीं, हमारे देश से कई स्टूडेंट मतलब वो संख्या कम है, लेकिन ये देश की जो आबादी है उनके हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ हैं। तो वैसा भी जो एक्सचेंज प्रोग्राम हमारा रहता, हमारे कई देश विदेश से हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं, हमारे यहाँ से विदेश में जाते हैं, तो एक अच्छा काम यहाँ पे हो सकता, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो करीब करीब हमारे जैसे ही है। क्योंकि लिथुनिया हम गए, वहाँ पे उन्होंने एक किताब भी निकाली, उन्होंने 108 जो संस्कृत के शब्द है वो जैसे के वैसे उनके इसमें, और अभी पता चला कि इससे भी ज़्यादा करीब करीब 1000 के ऊपर शब्द ऐसे है कि वो उनका ओरिजिन संस्कृत में है। तो इससे बहुत अच्छा हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी फ़ायदा होगा और इनका भी फ़ायदा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।